हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस का जो बैच था हमारा, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे, उसी की कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ ये श्रृंखला को आप आगे की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो हमारी आज की जो श्रृंखला में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, 2018 के जो प्रथम पाली के जो क्वेश्चन मैथ में आए हुए हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन आज का है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। 2018 का ये भी क्वेश्चन है, 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और उसी को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार के जो जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप लोग अभी से इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और ताकि आप अपने पेपर में बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, वर्ग की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटा, हमारे पास ये ऑप्शन से अगर हम लोग जाएं कि हमारे ऑप्शन में सारे ऑप्शन में ये दिया हुआ है 25, लास्ट में 25 दिया हुआ है। यानी कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे कि पहला अंक क्या होगा बेटा, 5 होगा। यानी कि जितने भी इसमें क्वेश्चन, जितने भी ऑप्शन है, सारे का पहला अंक क्या हो गया, 5 होगा। यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 25 आएगा। फिर उसके बाद अगले हम दो नंबर को हम लोग देखते हैं कि ये दो नंबर, दो डिजिट जो है, ये दो डिजिट को इस प्रकार के, जब हमारे पास 5 का अगर वर्ग वाला मिल जाता है तो उसके पहले के जो दो डिजिट है उनको हम लोग एक के अंतर में तोड़ते हैं और उन्हें गुणा करने के बाद ये दो, जो हमारे दो डिजिट का, दो अंकों का जो प्लेस है उतना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, एक अंकों के गैप में अगर तोड़े इसको हम लोग 7 और 6 के अगर अंक में तोड़े, 7 6 42, यानी कि ये तो हमारे पास क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं, अगर 4 और 5 में तोड़ेंगे यानी कि ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। सॉरी, यहाँ पर 5 होगा, 4 और 5 में हम लोग तोड़े तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, अगले प्रश्न को, अगला जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको 5 गुणे 5 अगर करेंगे तभी 25 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कोई गैप हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि 6 में से 5 7 घटाएंगे तो कितना आएगा इसका अंतर, 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर अंतर अगर लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा 2525, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 3 गुणे में 4, यानी कि इनका भी अंतर अगर लिया जाएगा 3 और 4 का तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके वजह से ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि पूछा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आइए हम लोग अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा, यहां पर देखा जाए ध्यान से। ठीक है, हम लोग इसको तोड़ेंगे, पहले सबसे पहले 12 और 60 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, 12 25 60। फिर क्या है, गुणे में 4 से 2 से इसमें हम लोग भाग देंगे 8 में तो कितनी बार में कटेगा बेटा, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 2 9 8। ठीक, 16 में से अगर हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 16 में से 4 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। भागे में क्या है बेटा, 3, यानी कि 3 से इसको भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार में, और 12 गुणे में 4 कितना हो जाएगा बेटा, 48। यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है। आप लोग ध्यान से इन सारी चीजों को सॉल्व करें और जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है सारे के सारे प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि समीकरण को हल करने के लिए उपर्युक्त विकल्प को चुने, ये भी प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन, इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग दशमलव के पहले इधर जो हमारे पास दाहिनी तरफ जो अंक है उनको सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लोग 7 में 4 जोड़ेंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे, कितना जाएगा बेटा, 12, यानी कि 2।
हासिल और कैरी अगर जिसको कहा जाए एक आ जाएगा। आठ में अगर पांच जोड़ेंगे 13, 13 में दो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 15, 15 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 16, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा। दशमलव लगा लेंगे एक अंक के बाद, दो अंकों के बाद दशमलव, दो अंकों के बाद दशमलव लगा लिए, हासिल एक है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3, 6, 3, 9, 9, 9, 18, 1, 19, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 19.62, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 30, 60 और 72 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना, ठीक है, यानी कि एचसीएफ निकालना। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका आप लोग देखें बेटा, जिस दो नंबर को लें, जिन दोनों नंबर को लें जिनका अंतर क्या आ रहा हो, बहुत ही कम आ रहा हो, ठीक है, उन दोनों के अंकों को हम लोग लेकर के क्या निकालते हैं, अंतर निकालेंगे। यानी कि 60 और 72 की बात करें तो कितना इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 60 और 72, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 12, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इनका इनका हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो नंबर, जिस नंबर से गुणनखंड 12 और 3 इसका गुणनखंड अगर देखें तो कितना आएगा बेटा 3×4 आएगा, ठीक। इन्हीं दोनों नंबर से जो संख्याएं कट रही होंगी, यानी कि अगर 12 से अगर चेक करें तो 12 से अगर जो कट जाती तो वही हो जाता है इसका गुणनखंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, यानी कि 12 से अगर काटेंगे तो 60 तो कट जाएगा, 72 कट जाएगा, लेकिन 30 कटेगा ही नहीं। जब 30 कटेगा नहीं तो हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। और 30 का गुण 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3×4, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 से एक बार काटेंगे, 3×10 में 30, 20×3 में 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3×2 में 6, 3×2 में 6 और 14 कितना जाएगा बेटा 24, 24×3 कितना आ जाएगा बेटा 72, यानी कि हमारे पास ये देखिए कि 3 से ये क्या हो जा रहा है, तीनों संख्याएं कट जा रही, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। और भी देखें यहाँ पर 3 ही करेक्ट आंसर कैसे हो सकता है बेटा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा 3 से तो कट रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसको 6 से काटें अगर, ठीक है, एक तो हमारे पास 3 फैक्टर आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा फैक्टर, इसका गुणनखंड 6 भी तो आएगा, यानी कि 6×2 = 12 भी तो होता है। अब हम लोग देखेंगे कि 6 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि 6 से भी ये कट रहा है, 6×5 = 30, 6×10 = 60, 12×6 = 72, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा 6 होगा, ठीक। क्या आप लोगों की चीज समझ में आ गई, अगर ये चीजें आप लोगों की समझ में आ गई हो तो आप लोग इस क्वेश्चन का और इस पूरे जो भी हम क्वेश्चन करवाए इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप लोग ध्यान दें, और इसी प्रकार के प्रश्न जो आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आइए हम लोग इसका खात्मा करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। यदि 21 चॉकलेट, कह रहे बेटा 21 चॉकलेट को बांटा जा रहा है, कितने रेशियो बेटा, कितने 5 और 2 के अनुपात में बांटा जा रहा है, साझा की जाती है, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी, यानी कि छोटे हिस्से में कितना चॉकलेट होगा बेटा। यहाँ पर 5 और 2 की बात करें तो 5 और 2 के अनुपात में बांटा जा रहा है, इसका मतलब कि 5x और 2x हम मान लेते हैं, क्या बेटा माना 5x और 2x हमारे पास क्या है, यही चॉकलेट होंगे, यानी कि टोटल चॉकलेट की अगर संख्या कही जाए, यानी कि 7x = कितना हो जाएगा बेटा 21, और 7 से इसको काटेंगे बेटा कितनी बार में कटेगा बेटा 3 बार में, x = कितना आ जाएगा बेटा 3, यानी कि अगर x का मान हमारे पास 3 आ गया तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3×6, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा बेटा 5×3, यानी कि 15। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी, यानी कि छोटे हिस्से में कितना चॉकलेट है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 चॉकलेट होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 6 चॉकलेट। ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई, तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, माहिम ने एक परीक्षा में
175 में से 126 अंक प्राप्त किया तो माहिन द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना बेटा, यानी कि प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत जब भी हम लोगों को ज्ञात करने की बात होती है तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कितना कितने में से कितना पाया है बेटा, वो 126 अंक प्राप्त किया है, कितने में से किया है बेटा, आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है, 175 में से कितना पाया बेटा, 126 नंबर उसने पाया है। तो ये कह रहा है कि जो ये अंक प्राप्त किया गया वो कितना प्रतिशत प्राप्त किया गया, यानी कि इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 छक्का 150, 25 सात 175 और 25 चौको 100, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखें कि इसको और भी मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम लोग इसको देखें 7 से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 7 एक कनम 7 5 बच जाएगा और यहाँ पर 56 हो जाएगा, 7 बटे 56, यानी कि हम लोग क्या करेंगे बेटा 18 में 4 का गुणा कर लेंगे और 18 चौको 72 प्रतिशत होता है बेटा, 72 होगा, यानी कि 72 प्रतिशत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई, ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, 2018 का ये भी क्वेश्चन है, ये कह रहा कि 35 का 12 प्रतिशत होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 35 गुणे में 12 प्रतिशत यानी कि 100, 4 से अगर हम लोग काट देंगे 4 तीन 12, 25 चौको 100, 5 से इसको काटेंगे 5 पीछे 25, 5 सात 35, यानी कि 7 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 7 तरीक का 21, 21 बटे में 5, 5 से इसमें हम लोग भाग देंगे बेटा 5 चौको 20, ठीक है, दशमलव लगा लेंगे और 10 हो जाएगा 5 दोनों में 10, यानी कि 4.2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बेटा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए भी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई है, आप लोगों की ये चीजें समझ में आ गई तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम आप लोगों को और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसी प्रकार करवाएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को हम लोग देखा जाए। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेच करके 24% लाभ कमाता है, रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी, यानी कि यहाँ पर अगर हमारी बात की जाए तो खरीदने की बात हो रही, यानी कि कास्ट प्राइस, यानी कि सीपी की बात हो रही, यानी कि क्रय मूल्य की बात हो रही। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो होता है एक रेशियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम थ्योरी पार्ट में पढ़ा रखे हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करके आप लोगों को क्वेश्चन करने का माध्यम बताते हैं और बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसी के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग हमेशा सॉल्व करिएगा, चाहे वो प्रॉफिट का दिया हो चाहे लॉस का दिया हो। ध्यान दीजिएगा ESP यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बटे कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बेटा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपन लॉस बटे में क्या जाएगा 100। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब प्रॉफिट आप लीजिएगा तो यहाँ पर प्लस लेना है, जब आप लॉस लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर क्या लेना बेटा, माइनस लेना, चूंकि हमको यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट वाली कहानी तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, प्लस में लेके चलेंगे 100 प्लस 24 बटे में 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य की बात की जाए तो 434 रुपए है बेटा, 434 रुपए, ठीक है, और हमसे पूछा है कास्ट प्राइस की वैल्यू पूछा है, यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य को हम लोग आराम से निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका इधर, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 434 बटे में 124, 100 और 24 को जोड़ेंगे 124 आ जाएगा और ये 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा और सीपी किधर चला जाएगा बेटा ये, और यही हमसे पूछा है, यानी कि कास्ट प्राइस यानी कि किस कीमत पे वस्तु को खरीदा गया है वही हमसे पूछा है, यहाँ से सीपी आराम से निकल जाएगा, यानी कि इसको हम लोग काटेंगे अगर तो देखिए कैसे कटेगा, 4 4 3 12, 4 1 4, फिर इसको हम लोग काटेंगे 25 चौक 100 और इसको हम लोग काटेंगे फिर से 31 से इसको काटेंगे 31 1 31, ठीक है बेटा, और यहाँ पर कितना बचेगा 12 और हमारे पास कितना बचेगा 124, अगर 31 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 124, यानी कि 14 गुणे 31 करोगे तो 434 आ जाएगा, बचा क्या हमारे पास 25 गुणे में 14, ठीक, 25 चौक का 100
25 चौका कितना गया बेटा 100, और हमारे पास 10 आ जाएगा कैरी, 25 इक्कीनम 25 10 35, यानी कि 350 रुपये ही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 350 यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के रॉन्ग नहीं होंगे और इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक। और ये भी हमारा क्वेश्चन जो है कि 2018 में प्रथम पाली में पूछा गया है, और ये भी 2018 में प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है बेटा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। 12% की छूट के बाद खिलौना 132 रुपए में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करें बेटा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक। इसके लिए भी हमें एक आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, यानी कि हमारे पास सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस को ध्यान आप लोगों को लगा करके चलना है, यानी कि सेलिंग प्राइस बटे हमारे पास क्या जाएगा बेटा एमआरपी, यानी कि एमआरपी हमारे पास क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं, इसी को हम लोग एसपी को क्या कहते हैं बेटा विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या रेशियो निकलेगा उसको आप लोग ध्यान दें, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट को हम लोग लेंगे बटे में क्या करेंगे बेटा 100। अब यहां से हम लोग जो हमसे पूछेगा उस चीज को निकाल लेंगे। देखिए यहां पर 12% की छूट दिया यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज दिया बेटा, 132 रुपए में बेचा गया यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ, क्या आप लोग एमआरपी को निकाल लेंगे? बहुत ही आसान तरीके से आप लोग निकाल लेंगे, यानी कि 132 बटे में एमआरपी, यानी कि हमारे पास अंकित मूल्य यही है, 100 माइनस में कितना आ जाएगा बेटा 12%, यानी कि 12 को यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा बेटा इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एमआरपी को निकाल लेंगे, यानी कि 132 बटे में कितना आ जाएगा बेटा 88, 100 में से 12 को घटाएंगे 88 आ जाएगा, और ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 132 में क्या जाएगा गुणा आ जाएगा, और ये एमआरपी हमारे पास कहाँ जाएगा बेटा यहाँ पर। इसको काट ले हम लोग, देखते हैं कैसे कटेगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12 और 4 3 12, 11 से काटेंगे, 11 2 में 22, 11 3 में 33, ठीक है बेटा। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिएगा कि हमारे पास इससे हम लोग इसको काटते हैं बेटा 50 2 में 100 आ जाएगा, ठीक यही आएगा बिल्कुल, और यहां पर 33 11 3 33 होता है बेटा, और 3 में 5 50 का अगर हम लोग गुणा करेंगे 3 गुणे में 50, और यही क्या आएगा बेटा हमारे पास एमआरपी, और एमआरपी 150 रुपए यही क्या हो जाएगी अंकित मूल्य एमआरपी, यानी कि 150 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप सभी तक सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा बनाए रखिएगा। धन्यवाद। ला 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 ला।